नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका श्रीमान बनारस की धरती में स्वागत करता हूं। जब बनारस की बात करेंगे तो यहां कहा जाता है काशी के कंकड़ जय शिव शंकर। कहीं ना कहीं संस्कृति और कला का समागम जिस तरीके से बनारस की धरती में दिखता है, मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनूठा विश्व स्तरीय प्रयास है। चलिए, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम जिन शख्स से आपका रूबरू करवाएंगे, उनका नाम है मदन सर जी। BHU के मूर्तिकला विभाग के एक समय जिस तरीके से इन्होंने उसको संवारा और सजाया, अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। पहले तो हम लोग सर आपका स्वागत करेंगे। जी धन्यवाद सर। थोड़ा जानना चाहेंगे ये मूर्तिकला के बारे में। लोग बहुत पुरानी परंपरा, अगर सिंधु घाटी सभ्यता और मोहन जोदड़ो तक चले जाते हैं, उस समय भी मूर्तियाँ प्राप्त होती, तो क्या कुछ कहेंगे सर इस विधा को लेकर? निश्चित रूप से मूर्तिकला जो है वो हमारे देश और विश्व की एक बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही पुरानी एक कला है, और जिस कला पर आज हम लोग, अगर हम वहाँ से सीधे अगर आते हैं, तो आज जो हम लोगों का क्षेत्र, विशेष रूप से मेरा जो क्षेत्र रहा है, वो समकालीन मूर्तिकला का क्षेत्र रहा है। आपके बारे में जो मेरे पास छोटी सी जो जानकारी है, न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी जाकर आपने भारत का एक नाम रोशन किया है, इस तरीके से कि आज बच्चे इधर घूम रहे हैं, स्टूडेंट घूम रहे हैं, और स्टूडेंट अपना बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर अपने फील्ड में आज सरकार के तरफ से कितना योगदान हो पाता है, या और सरकार को क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से जो प्रारंभिक जो शिक्षा का जो दौर होता है, वो सब कुछ जो है विद्यार्थियों पे निर्भर करता है कि वह अपने आप को कितना अधिक और कितनी गंभीरता से शिक्षित करते हैं, तैयार करते हैं, और उसके आधार पर ही मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में, हमारे भारत में भी, उनको तमाम तरह की सुविधाएं सरकारी भी और गैर सरकारी भी मिलती हैं। जैसे हम अगर स्कॉलरशिप की बात करें, या बड़ी संस्थाओं में किसी प्रवेश की भी बात करें, या एक से जगह से दूसरे जगह जा कर के अपने कला प्रदर्शनों के बारे में बात करें, तो ऐसा मुझे लगता है कि यह सारा जो है उस प्रतिभा के ऊपर ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो वह प्रतिभा संपन्न होने के लिए किसी भी विद्यार्थी को या युवा जो अभी पढ़ रहे हैं, उनको बहुत ही कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। मदन सर का अगर थोड़ा इतिहास जानना चाहें तो कितना संघर्षमय रहा सर यहाँ तक का सफर? निश्चित रूप से मेरी एक, जब कला के क्षेत्र में मैं इस विषय में पढ़ाई के लिए जब आया, तो मेरी बहुत ही गहरी रुचि जो है, बड़ा लगन, अभी मुझे लगता है कि एक उन्माद मेरे अंदर कला को करने का जो मैं प्राप्त किया, अपने अध्यापक जो हमारे कस्बे के अध्यापक थे, गुरु थे, उनके द्वारा, श्री राम श्याम नारायण सिंह हम बात कर सकते हैं, कि उन्होंने हमारे अंदर एक जैसा जोश भरा, और उसके लिए मैंने मतलब बहुत ही परिश्रम करके और बहुत ज़्यादा मतलब काम इतना अधिक किया कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1973 में अपना प्रवेश प्राप्त करता हूँ। और उस प्रवेश में और भी मेरा उत्साह इसलिए भी और अधिक बढ़ जाता है, इस प्रवेश परीक्षा में मैंने टॉप किया था, जबकि मैं बहुत ही सामान्य विद्यार्थी जो है अपने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में रहा हूँ, कभी मैं ऐसा टॉपर नहीं रहा हूँ। लेकिन जब कला के क्षेत्र में प्रवेश करने पर मुझे जब टॉपर हुआ, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ कुछ न कुछ ऐसी ईश्वरी, या कुछ न कुछ मेरी अपनी प्रतिभा का, या मेरे लगन का, या मेरे मेहनत का ये मुझे फल प्राप्त हुआ है, कि लगता है कि इसमें कुछ है। वह चीज़ जो है मुझे और भी गहराई से, और भी गहरा से इस कला में डूबने के लिए हमें प्रेरित करता है। सर क्या कुछ देखें, ये 3-4 दशकों का आपका सफर रहा, मुझे लगता है इस क्षेत्र में भारत और विदेश, इन दोनों के छात्रों में, ये इन दोनों के शिक्षकों में, इन दोनों के ट्रेनिंग में, या किस तरीके का अंतर आप महसूस किए सर? देखिए, क्या है कि 50 वर्ष का मेरा एक समय इस क्षेत्र में बीता है, और मैं समझता हूँ कि 50 वर्ष में बहुत कुछ जो है कला का परिवर्तन जो है हमारे देश में भी हुआ है, विदेशों में भी हुआ है, और परिवर्तनशील यह युग ही है। और आज के युग में और आज के समय में परिवर्तन जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है,
तो कला के क्षेत्र में हमारे भारत में भी बहुत ही ज़्यादा तेजी से और बहुत ही प्रगतिवादी जिसको हम बोलेंगे उसका विकास हो रहा है। सर, उसी तरीके जैसे मैं दूसरे देशों में भी जाता हूँ तो उनके विकास को जब अपने देश के विकास से तुलना करता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारी जो अपनी जो परिवेश है या जो हमारे यहाँ का जितना भी संसाधन है उसमें हमारे जो विद्यार्थी हैं या हमारे युवा कलाकार हैं या जो हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं उन लोगों ने कला में अद्भुत कार्य किया ही है। सर, रंगों की दुनिया में बहुत मैकेनिज्म आया, नए नए बहुत सारे ऐसे कंपनी जिन्होंने नई चीज़ें लॉन्च की, लेकिन हम मूर्ति की बात करें तो आज भी वही हथौड़ी या छेनी के माध्यम से बड़ा बारीक ढंग से तराशा जाता है। तो क्या कुछ हम उम्मीद करें कि मैकेनिज्म वाला स्टेटस मूर्ति कला के क्षेत्र में भी आया या आने वाले भविष्य में दिखेगा? सर, नहीं, देखिए मूर्तिकला का जो है मैकेनिज्म जो है बहुत ही विभिन्नता लिए हुए है। केवल हथौड़ी और छीनी से पत्थर या संगमरमर को तराशने का ही काम नहीं होता है। जब हम मिट्टी में बनाते हैं तो उसको हम ब्रोंज की बड़ी बड़ी मूर्तियों में उसकी ढलाई भी करते हैं, फाइबर ग्लास में उसकी ढलाइयाँ होती हैं, बड़े बड़े प्लास्टिक्स के माध्यमों में भी कार्य होता है। मूर्ति कला का क्षेत्र इतना विस्तृत है जिसमें कि मटेरियल्स का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें मेरा अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अधिक संख्या में संगमरमर पत्थर लोहा ईटा और लकड़ी और उसके साथ साथ जो समसामयिक जो भी हम जहाँ भी परिवेश में काम करते हैं वहाँ पर जिस भी तरह का कुछ भी मटेरियल मुझे प्राप्त होता है और मैं उसमें भी प्रयोग करता हूँ। क्या कुछ चाइना में मैं गया था तो वहाँ पर समुद्र के किनारे मैंने सैंड में जो है बहुत बड़ा आकार का 35 फीट लंबा चौड़ा एक मैं स्कल्पचर तैयार किया था, तो बालू में मुझे पहला करने का अवसर मिला। जापान में गया तो वहाँ पर मतलब एक जंगल में मुझे काम करने का मौका मिला, तो वहाँ की जो सूखी लकड़ियाँ जो पेड़ की मतलब गिरी हुई थी उस जंगल की उसका प्रयोग करके उस शिल्प का मतलब आयोजन हुआ था कि यहाँ पर मतलब आपको पेड़ नहीं काटना है क्योंकि प्रकृति के प्रति जो है सम्मोहन या जो बचाव है मतलब जो पर्यावरण का इन सब की चीज़ों के प्रति पूरी दुनिया जो है चिंतित है, तो हम लोगों ने उसमें जो है बहुत बड़े बड़े आकारों में शिल्प को रचा। सर, अगर पहले आज से करीब मुझे लगता है 100 वर्ष पीछे चले जाएं और मूर्ति कला का देखते हैं जिसको स्थापत्य कला लोग जोड़कर देखते हैं एक जगह पे, तो पहले वाली कला और आज की कला में क्या अंतर आप महसूस किए? निश्चित ही ये समय का परिवर्तन है। उस तरह की जो कलाओं का जो पहले जो ट्रेडिशनल आर्ट हम बोलते हैं हमारी जो पारंपरिक और जो हमारी धरोहर हैं जैसे गुप्त काल का कला है या मिडिवल पीरियड की कला है या हमारा जो शास्त्रीय जो कलाएं हैं उसका प्रयोग जो है उस समय मतलब अपने चरम सीमा पर मतलब हुआ है जिसको कि उसको स्वर्ण युग कहा ही जाता है उस काल का। और आज जो है कलाएं उसकी जो आज अगर हम उस तरह की मूर्तियां बनाते हैं तो हम उसकी प्रकृति को बनाते हैं। सर, भित्ति चित्र को लेकर क्या कहेंगे? बहुत कम नगण्य के बराबर अब दिखाई पड़ता है, उसका अस्तित्व है या वाकई में कम होता चला जा रहा है? देखिए कला का जो है अस्तित्व जो है हमेशा बहुत ही बड़ा है और भित्ति चित्र जो है हमारे देश में अभी भी जो है सरकारी तौर पे भी हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का हमारे यहाँ भित्ति चित्र जो है ये अजंता में एलोरा में या बहुत सारी गुफाओं में बहुत सारे पहाड़ों में वो तैयार किए गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जब हम लोग बात करें तो मुझे लगता है उसका आधार ही मूर्ति पेंटिंग से सारी चीजों को पुराने को जब इंडिया को दाई सज योजना है। आज कहाँ ASI आप लोगों की मदद कर पाता है या आप लोगों की कलाओं को संजो कर रखने के लिए सरकार का ये ASI का जो कार्य है वो क्षेत्र उनका अलग है, उनको क्या है कि उनका संरक्षण करना है और अभी जो हमारी जो कलाएं चल रही हैं इसमें जो हमें संरक्षण जो मिलता है वह हमको अपने कला का जो एक आधुनिक कला या समकालीन कला का जो हम कह सकते हैं कि उसकी बिक्री भी होती है, लोग उसको पसंद करते हैं खरीदते हैं और उसका बहुत अच्छा प्रयोग भी करते हैं, तो इससे जो हमारा संरक्षण चलता है। बहुत सारे विद्यालय मतलब खुल गए हैं, पहले के ज़माने में जो इक्के दुक्के होते थे या सैकड़ों विद्यार्थी मतलब विद्यालय हमारे कला के हैं, तो इसलिए इसका स्कोप तो इतना ज़्यादा बड़ा है और संरक्षण तो हमारी कलाओं को आज के ज़माने में क्या है कि उस समय तो वो कलाकार कितनी मतलब राजा महाराजाएं या लोग जो है उसको कराते थे, आज के युग में जो है कला स्वयं कलाकार ही करता है। सर, अगर मदन सर की बात करें
मदन सर की अगर हम बात करें तो सर, अगर ये मैं इससे पहले 10 साल पहले भी आया था यहाँ, उस समय भी मुझे ये दिखा था और मन में उस समय भी प्रश्न था ये क्या कुछ है, 9 आकृति तो एक ही जैसा लग रहा है लेकिन संख्या इसकी 9 है, क्या इसमें सर मैसेज है और क्या इसके अंतर्गत? अगर हम विशेष रूप से अभी आज भी मेरे से लोगों ने इस पे सवाल किया था तो मैंने कहा था कि जब मैं पहला स्तंभ इसको बनाया था तो वह गुप्तकालीन भारत कला भवन में एक स्तंभ है जिसको हर इंसान जब किसी सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करने का कोशिश करता है तो उसके पीछे मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है और इस संघर्ष में दुनिया के अंतर्गत सीधी भाषा में न लाग न लपेट एक चीज हम कहेंगे राजनीति तो होती है सिनेमा, चाहे आप महंत बनने का प्रयास करें चाहे आप दुष्यंत बनने का प्रयास करें श्रीमान राजनीति होगी। जानने की कोशिश करेंगे कि मदन सर आज जिस मुकाम तक पहुंचे कितना संघर्षपूर्ण रहा, ये इन्होंने पहले ही इस बात को रखा है, लेकिन एक मेरे मन में सवाल है मदन सर, यहाँ तक पहुंचने का सफर में कभी ऐसा लगा कि लोगों ने आपका भी पैर खींचने का प्रयास किया? निश्चित रूप से किया है, लेकिन अंगद की तरह से पैर जमा के बैठा हुआ हूँ तो खींच करके कोई दिखा दिया होता या फेल कर दिया होता? मतलब आप ये मान रहे हैं कि अंगद वाली पैर मदन सर के पास है? नहीं, सवाल जवाब मेरा यही था, आप उसी को बार बार पूछेंगे तो जवाब तो मैं यही दूंगा, जब आप अंगद को जानते हैं तो इस अंगद को भी जान लीजिए। अच्छा, तो सर कभी ऐसा लगा कि सरकारी तंत्र का आपने दुरुपयोग किया या BHU के रहते हुए अपने अध्यापन समय के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया? अपने लिए मैंने केवल अपना इस्तेमाल किया, सरकारी तंत्र का इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जब हमको हर संस्थाओं में जा करके पूरी सुविधा मिल रही है, हर वो हमारी इच्छा को पूरी हो रही है कि मैं नौकरी करने के लिए इसलिए गया हूँ कि मुझे एक अध्यापक बनना है। सवाल किया गया था मेरे से भी कि जब आप इतना सफल हो इतना अच्छा सेल करते हो तो आपको टीचर बनने की क्या ज़रूरत है? मैंने कि आप जो मास्टर साहब लोग बैठे हुए हो आप ही का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी मैं हूँ, इसलिए मेरा भी मन है टीचर करने का। जब इतनी एक दृढ़ इच्छा लेकर के मैं अध्यापक बना हूँ तो वहाँ पर खराब अगर करेंगे तो मैं उनके जैसा इंटरव्यूअर फिर कभी किसी यूनिवर्सिटी या किसी दुनिया में तो नहीं हो सकता हूँ ना, तो मेरे ऊपर इस तरह का मैं कोई दूसरा आरोप लगाएगा लेकिन मैं आरोप नहीं लगाता हूँ। अच्छा, बहुत सारे मूर्तिकार, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, जिनके मन में ये कुछ चलता है कि मदन सरा जिस जगह पर हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है केवल संघर्ष नहीं एक दूसरा बाईपास थ्योरी भी उन्होंने अपनाया होगा। बाईपास थ्योरी का तो मैं केवल थोड़ा बहुत ये नाम कभी कभी सुन लेता हूँ लेकिन मेरे पास ऐसी कोई थ्योरी है नहीं, वो है ये नहीं है, क्योंकि उन्हें वहाँ झांकना चाहिए या उनको अपना शरीर और उस संघर्ष को देखना चाहिए कि कहाँ वो थ्योरी इनकी लाइफ में रही है। अच्छा सर, गुरु द्रोण जी का भी आपने एक वाक्य सुना होगा, एक लव्य को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते थे, अर्जुन को प्रमोट करना चाहते थे, क्या मदन सर अपने बच्चों को एक लव्य और अर्जुन दोनों को बराबर तरीके से देखेंगे? यहाँ भी यहाँ पर ही तो मेरा उदाहरण है कि मैंने एक लव्य को ही चुना है। अर्जुन का क्या होगा सर? अर्जुन तो अपने आप मेरा शिष्य ही है लेकिन एक लव्य को मैं भटकने थोड़ा दूंगा। अर्जुन जब मेरे पास में कार्य कर रहा है तो मैं ये भी नज़र रखे हुआ था कि दूसरा जो हमारे इस तरह के व्यक्ति हैं कमज़ोर हैं जिनको कि कोई अपने साथ में नहीं ले सकता है तो मेरा उन पर ज़्यादा ध्यान था, क्योंकि एक तो तैयार था, एक को मुझे तैयार करना था। यह भी मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे उदाहरण हैं। आज मदन सर करोड़पति हैं मदन सर करोड़पति हैं कि हाँ, ऐसा एक बेहतर कलाकार है। हाँ, वो कहते हैं लेकिन वो करोड़ों का आप देख रहे हैं, आज मैं कंगाल हूँ, एक रुपया मेरे पॉकेट में नहीं है, वो करोड़ों का प्रयोग हुआ है। आप करोड़पतियों के घर में बैठेंगे या करोड़पतियों से मिलेंगे ना, उनके पास ऐसा कुछ नहीं कि आप उनको करोड़पति कह सकते हैं, क्योंकि मुझे इसलिए कहते हैं कि उनके सामने एक इमारत खड़ी है, वो भी एक संस्था खड़ी है और वो भी किसी के बिना बलबूते पे खड़ी है, किसी किसी के सहयोग से नहीं खड़ी है। जो कुछ भी है थोड़ा बहुत हमारे गुरुओं का योगदान है, चाहे जापान के रहे हों चाहे भारत के रहे हों, हमारे कुछ अभिन्न मित्रों का थोड़ा मोड़ा योगदान हो, 2-4% उनके योगदान को जो है इसमें नमक का काम किया है, मेरी ताकत बनी है, लेकिन 95% जो है ना, 95 लाख तो मैंने ही लगाया है,
अच्छा, वास्तविकता क्या है सर, अगर मूर्ति कला आज क्या एक व्यवसाय बनता हुआ रूप की और है कि कला के फील्ड में ही सर्वाइव करेगा? देखिए, पेट के लिए तो चाहिए, अगर आत्मा को बचाना है तो पेट की तो वो जरूरी है। और हमेशा जो है जुगों जुगों से ये रहा है कि आपको पैसा की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, घर परिवार चलाना होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई संसाधन रहते हैं। तो मूर्ति कला जो है, जो व्यापार का कार्य है, वह व्यापार भी वहाँ हो रहा है, और जहाँ पर पूर्ण स्वतंत्र रूप से कार्य हो रहा है वहाँ भी हो रहा है। ऐसे भी हमारे देश में, पूरी दुनिया में ऐसे मूर्तिकार मेरे आदर्श हैं, ऐसे लोग हैं जिस आदर्श के पीछे मैं भागा हूँ। रामकिंकर जैसे लोग थे, शंकर चौधरी जैसे लोग थे, ये मेरे गुरु, मेरे, मैं उन्हीं परंपराओं में से गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो शिष्य थे, ये क्या नाम है, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस के रामकिंकर, विनोद बिहारी मुखर्जी, सत्यजीत रे, ये सब सारे लोग थे। उसमें शंकर चौधरी थे, शंकर चौधरी जो थे मेरे गुरु के गुरु थे। मेरे गुरु की अल्पायु में मृत्यु होने के बाद मुझे अपने दादा गुरु का सानिध्य मिला। 30 वर्ष में उनकी, उनके मतलब जगह पे रहा हूँ। उन्होंने जो मेरा हर तरह का सहयोग किया, विकास किया, आज उनकी कलाकृतियाँ इस संग्रहालय में है। पूरे देश में ऐसी इतनी बड़ी कलाकृतियों का संग्रह किसी के पास नहीं है। संघर्ष में जीवन में एक छात्र सर रोजी रोटी के लिए पहले सोचे या शिक्षा को साधना समझकर लंबा समय उसमें दे? पहले आप अपने आप को तैयार करो ना कि रोजी रोटी अच्छी कमा सको। ऐसे रोजी रोटी के लिए तो सड़क पर बैठे बच्चे हुए भी कमा लेते हैं, पेटे पालते रह जाते हैं, शिक्षा ही नहीं ले पाते हैं। मैं भी सड़क पर बैठ करके कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक ले खमचा लगाया हूँ, मूँगफली बेचा हूँ, पेट भी पाला हूँ, शिक्षा भी लिया हूँ। आज ऐसे भी बहुत विद्यार्थी मिलते हैं, ऐसे भी माता पिता मिलते हैं जो कि रिक्शा चलाते हैं, उनका बेटा जो IAS बन जाता है। तो इसका उदाहरण नहीं लोग देखते हैं। मदन सर के साथ कभी राजनीति हुई क्या? कहते हैं कि राजनीति तो हो रही है, तो उसको मैं राजनीति देखूंगा कि अपना काम देखूंगा? दुनिया में मेरे पास बहुत काम है। समझता है सर, वैसे लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं और पीठ पीछे एक नई राजनीति समीकरण बनाते हैं, वो तो देखिए कुत्ता भोंकते रहते हैं, लेकिन आप चलते रहिए ध्यान से, बस खाली वो काटने ना पाए, बचाव इतना करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से, हालांकि प्रश्न मुझे मदन सर से पूछना नहीं चाहिए था, क्षमा चाहेंगे, लेकिन ये सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। यह जरूरी है, लोगों तक पहुँचना चाहिए सर। नहीं, लोगों तक नहीं, ये बहुत आवश्यक है। और आपको मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे सवाल की हिम्मत रखते हैं, और ऐसा सवाल का ये जरूरत है लोगों से पूछना। कल आप ये सवाल जरूर कर सकते हैं कि मदन लाल के बारे में जो आप बोल रहे हो, क्या औकात है यार तुम्हारी बोलने की, किस आधार पे तुम बोल रहे हो? आप आधार फिर वहाँ ढूंढेंगे आप, या लोग जो सुन रहे हैं वह लोग ढूंढेंगे कि कैसे तुम उस आदमी के बारे में इस तरह की बात कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तीखे प्रश्नों का सवाल देखिए बनता है, हम तो पूछेंगे लाइव सेगमेंट पेज पर। नॉन लाइव सेगमेंट पेज पर मैंने सदैव एक बात पूछा है, श्रीमान व्यक्तित्व का निर्माण के पीछे एक बड़ा संघर्ष की कहानी होती है। आप जब तक तपेंगे नहीं तब तक जपेंगे नहीं, जब तक जपेंगे नहीं तब तक गढ़ेंगे नहीं, जब तक गढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। चलिए, जो कुछ भी होता है भारतीय इतिहास के अंतर्गत, इतिहास से लेकर वर्तमान आधुनिक सभ्यता, हमारा सर संघर्ष के बीच की कहानी को दर्शाता है। एक अंतिम संदेश सर चाहेंगे उन लोगों को जो केवल मदन सर को कलाकार नहीं करोड़पति समझते हैं, उनको जरूर सर आप संदेश दें। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गया तो मेरा विषय जो था, मेरा चयन जो था, वो जूलॉजी और बॉटनी के तरफ था, और मैं चाहता था कि मैं भी डॉक्टर बनूं। मेरे परिवार वालों का भी झुकाव उस तरफ था। और जब मैं कक्षा में गया तो मुझे मेरे जो जूलॉजी के जो टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर इसमें जो लोग पढ़ेंगे उनको मेढक भी काटना पड़ेगा। मैं वेजिटेरियन था उस समय, थोड़ा बच्चे थे तो मंदिर वंदिर जाते थे, मैं वो क्लास छोड़ करके आर्ट साइड में चला आया। लेकिन एक चीज़ क्लास में पहुंचते ही उन्होंने दिखाया था, एक टूटी फूटी खिड़की जो है, ये SKGN इंटर कॉलेज बनारस लालगंज में, टूटी फूटी पुर्जी ये खिड़की पर लिखा हुआ था चौक से, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। उस अध्यापक को आज भी मैं याद करता हूँ, उसने कहा ये देखो जो लिखा हुआ है वो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी की सारी सफलता जो है केवल इसी पर टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।
इंग्लिश में एक स्टेटमेंट कहा जाता है, वेर इज विल देर इज सक्सेस। आई डोंट नो दैट व्हाट यू वांट टू बी एंड आई डोंट नो दैट व्हाट विल यू बी, बट देर इज अ नॉन कॉन्ट्रोवर्सियल स्टेटमेंट इन लाइफ, सक्सेस इज ऑन द लाइज टू द हार्ड लेवल, वेदर यू आर फ्रॉम दैट एनी कास्ट एनी कम्युनिटी एनी स्टेट और एनी कंट्री, दैट इज इन योर हैंड व्हाट यू वांट टू बी दैट। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने जी, धन्यवाद, माफी चाहेंगे जो भी प्रश्न हुआ, बट नहीं, 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 लोगों के मन में आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें जो हमें आप बताइए कि ये 71 की बात मैंने बताया है, परिश्रमी सफलता की कुंजी है। आज इस वर्कशॉप में मैं दिन भर जो है इन सबको खड़े रहता हूँ, घर नहीं जाता हूँ, रात भर यहाँ रहता हूँ। क्या मैं असफल हूँ जो एक कार्यक्रम करके और सफल होना चाहता हूँ? इन्हें सफलता की कुंजी दिखा रहा हूँ, इनको उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने आप को करता हूँ कि मैं अगर कुछ कहीं पर सहयोग कर सकते हैं लोगों को, या हमारी संस्था लोगों के लिए कुछ काम आ सकती है, तो हम उसके प्रति जो है पूरी तरह से तन मन और धन से समर्पित हैं।